नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। 60 रुपीज का स्टॉक हो चुका और 7.5 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड में। 2% के करीब की गिरावट हालांकि कल के दिन में देखने को मिली। जहां बाजार आपका बेहतर रिकवरी में है, वहीं पर HCL जैसे कुछ स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। बात करेंगे रीजन क्या है HCL में कल की गिरावट के पीछे। हालांकि हफ्ता बहुत अच्छा गया है आपका, 3 लगातार वीक से लगातार स्टॉक आपका जो है वो एक अच्छी रिकवरी कर रहा है। क्या ऐसे में आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, टारगेट क्या लेकर के चलना है फ्रेश बाइंग करने, क्योंकि अपर एंड पे अगर आप बात करो 80 रुपए के आसपास गया था स्टॉक आपका, वहां से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस समय भी स्टॉक आपके पक्ष में फेवरेबल है। और पैसा आपका खत कितना बन सकता है, कितना आपको दाव खेलना है यहाँ पे, टारगेट क्या लेकर के चलना है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट लेवल की जहां तक बात रही, स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है दैट इज अराउंड ₹54 के आसपास का पहला टारगेट आपका वही रहेगा, अराउंड 71-72 रुपीज के आसपास का। एंड यहां पर आप देखो प्रीवियसली ये 68-70 रुपीज तक गया था जैसा मैंने बोला। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी चालू है और रिकवरी के पीछे रीजंस भी हैं। आप देखो यूक्रेन और रशिया जो है ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर स्पेशलिटी वाले जो चीजें हैं, चाहे आप मैनमेड फाइबर की बात करो, चाहे आप बात करो कि वो लोग वीट में, तो अगर आप मेनली बात करो तो वीट एक्सपोर्टर दोनों ही कंट्रीज काफी बड़े रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के काफी बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास एक बड़ा मौका है। और जहां तक HCL की बात है, देखो कंपनी छोटी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इनका व्यवसाय रहता है ज्यादातर, और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट में ज्यादा फंड इन्फ्यूज कर रही है। PLI स्कीम के अंतर्गत लेकर के आई है, स्पेशलिटी केमिकल ऑलरेडी PLI के अंदर आता है, तो यहाँ पर कई बड़ी खबरें आपके सामने हैं। और इसी वजह से मैंने लगातार जब भी लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपको यहाँ पे खरीदारी करने के लिए बोला था। एक अच्छा टारगेट आपको मिला है, दोबारा से आपके पास मौका है खरीदारी करके पैसा कमाने का। लोअर एंड पे 54 का सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है, अपर एंड पे 71 का पहला टारगेट रहेगा आपका। लोअर एंड पे अगर आप देखो RSI का 60 पॉइंट्स का स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, MACD अगर आप देखो स्ट्रॉन्गली बुल रन में एंटर हो चुका है, हिस्टोग्राम आपके अपर एंड पर बन रहे हैं, तो ओवरऑल जो चीजें हैं आपके पक्ष में कन्वर्ट है। ठीक है, जहां तक बात बाजार की है, बाजार को लेकर के बहुत पैनिक नहीं करना है, मार्केट फेवरेबल चेंज हो रहा है, हालांकि वॉर अभी भी चल रहा है तो वहां से आपको थोड़ी वोलेटिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है, उसको लेकर के फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वॉच आउट करो उसे। FII के डेटा की जहां तक बात करें, 2800 करोड़ की खरीदारी इन लोगों ने कल के बाजार में की थी, इससे पहले वाले दिन भी इन्होंने 150 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है बाजार में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार में अगर ये खरीदारी में कन्वर्ट होते हैं तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ आएगी और मार्केट की जो एक्स्ट्रा सप्लाई बिखरी हुई है वो थोड़ा अब्सॉर्ब हो जाएगी। बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है आपके सामने। 72 का आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, यहाँ पे बाय करो और होल्ड करो अपने स्टॉक्स को, पोर्टफोलियो को, और बेचना 72 पर भी नहीं है। इस स्टॉक का जो अंडरलाइंग एक टारगेट था 94-96 रुपीज के आसपास, वहां तक हम इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह है कि बाकी लास्ट कॉल बस व्यूज क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।